ये था कि कई बार ऐसे लगता है कि हमको कोई बात पकड़ में आई है पर बाद में उसको विश्लेषित नहीं कर पाते हैं, तो इसमें हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें अनुभव नहीं हुआ है। अच्छा, अनुभव होता है तो विश्लेषण होता है अपने भाषा में। नहीं, जैसे मैं हूं और आप एक व्यक्ति हैं, हम दोनों अलग ढंग से विश्लेषण क्षमता हमारे में अलग है, ये क्यों है? इसीलिए जब तक समझे नहीं है, समझने के बाद जो है ना विश्लेषण से वही वस्तु गीत होता है, तो एक ही वस्तु। तो अभी जो अलग अलग व्यक्तियों में विश्लेषण क्षमता अलग अलग दिखती है, इसका अलग अलग वस्तु को समझने के लिए नहीं, जैसे एक ही वस्तु, जैसे जीव चेतना में जीते हुए अभी जो है, मैं मुझे जो श्रम गति परिणाम को जो समझ में आया, मैं बोलता हूँ, आप कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते समझ, है। जीव चेतना में कोई श्रम गति परिणाम कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, उसका जो कल्पना बना, जो एस्टिमेशन बना मेरे में, भाषा बना ठीक है, कल्पना बना के नहीं बना, अपने को भी पता नहीं आता, ठीक है भाषा बना उस भाषा को मैं जितना व्यापार में लगाया है बाबा, भी तो इसको तो व्यापार में नहीं लगा देना, व्यापार में लगा, व्यापार कहीं के लिए गए, सुविधा संग्रह के लिए गया, सुविधा संग्रह क्या कैसे क्या होगा, सकल अपराध को वही माना, विशेषता के लिए बहुत क्या तक पहुंचा है, ठीक है, अभी विशेषता के लिए छुपा हुआ है उसमें, सकल अवैधता को वही मान रही है। जैसे बाबा अभी हम घर पे शिविर लगाएंगे, ठीक है, वो व्यापार के तो नहीं लगाते हैं उसको, ठीक है, अभी उसके लिए क्या कहा, घोषणा क्या किया जी, हम ज्ञान व्यापार नहीं करेंगे, धर्म व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है, तो मैं लोगों इसको उसको जो है ना सत्यापित किया, सही बात है, सत्यापित करने के बाद करते हैं तो यदि ज्ञान है, ज्ञान व्यापार करते हुए देखते हैं तो सब डंडा हो जाएंगे, हाँ ये बात ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ मनुष्य के पास गलती को पहचानना बहुत सुगमता से पहचान है, गलत गलतियां उसी आधार पर हम भी पहचाना संविधान में क्या पहचाना, गलती को गलती से रोको, ठीक है ना, इसको संविधान कहते हैं, संविधान का परिभाषा आप दिखाया अपन पूर्णता के अर्थ में विधान कार्य विधान, कार्य कैसा करोगे उसका विधान को संविधान नाम नहीं है, पूर्णता क्या है, पूर्णता क्या है, पोषण क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, ठीक है, काफी समय हो गया बाबा, ये लास्ट वाला थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, मैं ये कह रहा था कि अभी भी जो मैं भाषा पूर्वक लोगों का शब्द देता हूँ है ना, भाषा दिया, ठीक है, मैं जैसे विश्लेषण करता हूँ, आप जैसे करते हैं, ये जैसे करते हैं, इस क्षमता में अंतर होता है, वही तो वो नहीं होना चाहिए, ये क्यों है, ये विचार ना समझने के आधार पर, अच्छा, तो नहीं बट जैसे मैं देखता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, विश्लेषण बहुत करता हूँ, कोई और कम करता है, वो अलग चर्चा देख, मैं समझा हूँ ऐसा तो नहीं है, नहीं नहीं सुनो है, वो कुछ अलग इश्यू हो गया, हाँ, पहले वाला अलग इश्यू हुआ, ठीक है, बाद वाला इश्यू ये है कि समझने के बाद जो है ना हम कम विश्लेषण करना पर चलेगा, अब ज्यादा करना भी चलेगा, क्या तकलीफ है, एक आदमी ज्यादा खाता है एक आदमी कम खाता है, दोनों चलते हैं न्यायपूर्वक, क्या तकलीफ, कुल मिलाकर न्यायपूर्वक चलने की कथा, तो ये विश्लेषण जो है ये एक प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति व्यक्त होने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, व्यक्त होने की प्रवृत्ति में एक आदमी सूत्र रूप में बात करता है, एक आदमी व्याख्या रूप में जीता है, व्याख्या करने में ज्यादा लगता है, व्याख्या करने में ज्यादा भाषा होता है, सूत्र रूप में कम भाषा होता है, क्या तकलीफ, तो एक में वृत्ति ज्यादा हो रहा है, एक में वृत्ति का जो काम है वो कम हो रहा है, बताने के तरीके, हाँ, व्यक्त होने वाले बात, व्यक्त होने वाले बात, भाषा के रूप में व्यक्त होने वाली बात, एक में कम एक में ज्यादा, सूत्र रूप में कम से कम और व्याख्या रूप में ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं यही देखता हूँ कि आप और इन दोनों होने से विचार रूप में संयत रहना बन ही जाती है, ठीक, और कुछ हो गया, अभी आप कुछ एक सेंटेंस बोल रहे थे फिर छूट गया, मैं आपको देखता हूँ, ठीक, नहीं ठीक है, हो गया, एक बज गए, पौन घंटा हो गया।